आपने जहरीली हवा से बचने के लिए लोगों को मास्क लगाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को मास्क लगाते हुए देखा है? राजधानी की हवा जहरीली होती जा रही है, लोगों का सांस लेना दुर्बल हो रहा है। इससे बचाव के लिए सड़कों पर निकल रहे लोग मास्क पहने नजर आ रहे हैं, लेकिन अब गांधी जी को भी मास्क पहना दिया गया है। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के निलंबित विधायक कपिल मिश्रा और बीजेपी विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने महात्मा गांधी को भी मास्क पहना दिया है। दरअसल कपिल मिश्रा और मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर काबू न पा सकने में आप सरकार की विफलता का विरोध जताने की कड़ी में 11 मूर्ति पर विरोध प्रदर्शन किया और गांधी जी और अन्य को मास्क पहनाया गया, जिसके बाद दोनों नेताओं को चाणक्यपुरी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बता दें, कपिल मिश्रा और बीजेपी के विधायक सिरसा लगातार राजधानी में प्रदूषण का विरोध कर रहे हैं। कुछ दिन पहले जहरीली सांस लेने से लोगों को बचाने के लिए कन्नाट प्लेस में उन्होंने मास्क बांटे थे। प्रदूषण को लेकर ये नेता लगातार केजरीवाल सरकार पर हमला बोल रहे हैं। वहीं बीजेपी ने एक RTI के जरिए मिले जवाब का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार से ये सवाल पूछ लिया कि क्या पर्यावरण टैक्स के जरिए जमा हुए 788 करोड़ रुपयों का कहां इस्तेमाल किया गया है, जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन टाइम्स।